नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आईपीएल 2020 के ऑक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और सभी आईपीएल टीमों के स्क्वाड्स भी फाइनल हो चुके हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11 के बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल क्रिकेट इज लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार के ऑक्शन में काफ़ी बढ़िया प्लेयर्स को खरीदा है। जैसे इन्होंने खरीदा है इयोन मॉर्गन जो कि इंग्लैंड के कप्तान है, सिद्धेश लेड, राहुल त्रिपाठी, इसके साथ ही क्रिस ग्रीन को खरीदा है, टॉम बेंटन जो कि काफ़ी बढ़िया फॉर्म में है, निखिल नाइक, उसके साथ ही और भी प्लेयर्स इन्होंने खरीदा है जो है पेट कमिंस जो कि सबसे महंगे बिके हैं इस बार के आईपीएल ऑक्शन में, 15.5 करोड़ में इन्हें खरीदा है, वरुण चक्रवर्ती, मणिमरन सिद्धार्थ और प्रवीण तांबे। तो अब बात करने वाले हैं कि इन प्लेयर्स में से कौन कौन से प्लेयर्स प्लेइंग इलेवन में रहने वाले हैं। तो प्लेइंग इलेवन की बात करें तो प्लेइंग इलेवन में ओपनर के रूप में इनके पास हो सकते हैं राहुल त्रिपाठी और सुनील नरीन, उसके बाद शुभमन गिल, दिनेश कार्तिक, नीतीश राणा, इयोन मॉर्गन, आंद्रे रसेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, शिवम मवी और पेट कमिंस। अब बात करें तो इनके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन कौन से हैं, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के रूप में इनके पास है सुनील नरीन, शुभमन गिल, उसके साथ ही अपने पास इनके पास और है इयोन मॉर्गन, आंद्रे रसेल, वहीं कुलदीप यादव। अब अगर ये प्लेयर्स अच्छे से चल जाए और एक और प्लेयर है पेट कमिंस तो ये टीम काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। तो अब देखना ये रहेगा कि किस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स परफॉर्म करती है आईपीएल में। आपके इन सभी प्लेयर्स में से कौन से प्लेयर फेवरेट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, जय।